तो फिर आप देख लीजिए कि इस फासिस्ट हुकूमत ने, इस पीडीएम के गन ने जो गन बचा दिया है, लिटरली आप देखिए कि मुझे जो मैंने अवामी सर्वे भी किया है, मैंने सारी रिसर्चेस की हैं, लोग इनको झोलियां भर भर के बददुआएं दे रहे हैं। हमारा वजीर ख़जाना बाहर के मुल्क में जाके वो कह रहे हैं कि हम रूस से पेट्रोल या डीजल ले लेते लेकिन उन पर पाबंदियाँ है, तो अगर इंडिया उनसे पेट्रोल ले सकते हम नहीं ले सकते थे। लड़ पड़ा है जो मिल्लत के गद्दारों से, लड़ पड़ा है जो मिल्लत के गद्दारों से, वतन फरोशों से, ज़मीर फरोशों से, वो एक ही। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम जी। अच्छा मैम बताएं, आज आप लोग एक दफ़ा फिर से निकले हो इस्लामाबाद की सड़कों पर, किस वजह से आप एहतजाज कर रहे हो? जी बिल्कुल, जैसे आप देख रहे हैं कि जो महंगाई का तूफ़ान, होशरबा तूफ़ान, अब ये डेढ़ माह होने को है और इस फासिस्ट इम्पोर्टेड हुकूमत ने जो मैं कहती हूँ कि लोगों को ख़ुदकुशियाँ करने पे मजबूर कर दिया। अब इस वन वीक में देखें कि 60 रुपीज़ फ्यूल प्राइसेस हाई हुई हैं, तो अब देखिए इसके लिए हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जी अच्छा मैम बताए, अच्छा खासा मुल्क चल रहा था 2 महीने, OIC के अजलास हो रहे थे पाकिस्तान में, क्रिकेट बहाल हो रही थी, खान साहब रिलीफ दे रहे थे, बिजली सस्ती कर रही थी, तो क्या वजह है, किस वजह से मुल्क आज जो है ना दिवालिया बन के दाने पे खड़ा है? प्री प्लान्ड खान साहब को जिस तरह से शब खून मार कर रात को जिस तरह से डी सीट किया गया एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को, और वो जो इन्होंने एलिगेशंस लगाए थे कि जी महंगाई, ये महंगाई का वो इनका वो रीज़न नहीं था, ये सिर्फ खान साहब को हटाने की एक रजीम चेंज ऑपरेशन का ये हिस्सा बने, ये इम्पोर्टेड हुकूमत, और इसको मैं कंडेम करती हूँ। और आप देख लीजिए कि खान साहब ने अपने 3 साल 8 माह के टेन्योर में जिस तरह से मुल्क को चलाया, इसी ख़जाने के साथ जनाब इमरान खान साहब, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान कितने रिलीफ दे रहे थे, उनके जो प्रोजेक्ट्स थे वो आवाम रिलीफ पैकेजेस थे, और अब जो है मैं समझती हूँ कि अब कौम को भी इस बात पर सोचना चाहिए, ये डू एंड डाई वाली सिचुएशन है, और खान साहब का अगर इनका कंपैरिजन आप करें तो अभी हम कहाँ कर रहे हैं, ऑलमोस्ट हम डिफ़ॉल्ट के करीब में हैं, खुदा न खास्ता, खुदा न खास्ता। जी अच्छा मैम, हमारा पड़ोसी मुल्क है इंडिया में जो है ना, वहाँ पे पेट्रोल सस्ता हो रहे थे, हो रहे हैं, डीजल सस्ता हो रहा है, जो माहदा हमने रूस के साथ करना था वो माहदा इंडिया ने कर लिया और वो उसका फ़ायदा भी उठा रहे हैं उधर के लोग उनसे, तो क्या वजह है कि हमने माहदा करके भी जो है ना बिल्कुल उसके नज़दीक पहुंच की भी जो है ना आज हमारे मुल्क में पेट्रोल एक गरीब आदमी के पहुंच से दूर हो चुका है, और इस तरह के खानी पीने के अशिया भी। पाकिस्तान एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री है, खान साहब जैसा ऑनेस्ट, ब्रेव, खुददार, दयानतदार अगर लीडर हमें नसीब हो ही गया था, तो इन चोरों, डाकुओं, गद्दारों ने जिस तरह से खान साहब को डी सेट किया तो यही तो इनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। खान साहब ने आज़ाद खारजा पॉलिसी की बात की कि हम ग़ुलाम नहीं हैं, पाकिस्तानी ये खुद मुख्तार आज़ाद मुमलिकत है, तो उसका ये लोग पार्ट बने। इन्होंने प्री प्लान जिस तरह से खान साहब को हटाया, तो इनकी चीज़ें अब सबके सामने हैं। बिल्कुल उन्होंने भारत के बारे में बात की कि वो अगर आज़ाद खारजा पॉलिसीज को जो है वो अप्लाई कर सकता है, वो किसी की डिक्टेशन नहीं ले सकता, तो पाकिस्तान किसी की डिक्टेशन क्यों ले? रशिया के साथ हमें सस्ता तेल, सस्ती गैस 30% 20% पे मिल रही थी, यही तो बर्दाश्त नहीं हुआ। अभी हम स्टेबिलिटी की तरफ थे, खान साहब ने कोविड जो पेंडेमिक सिचुएशन को जिस तरह से टैकल किया, पूरी दुनिया ने उसको सराहा, तो यही तो बर्दाश्त नहीं हुआ कि अब हम जो है एक तरक्की की तरफ गामजन हो चले थे, स्टेबिलिटी की तरफ, तो फिर आप देख लीजिए कि इस फासिस्ट हुकूमत ने, इस पीडीएम के गन ने जो गन बचा दिया है, लिटरली आप देखिए कि मुझे जो मैंने अवामी सर्वे भी किया है, मैंने सारी रिसर्चेस की हैं, लोग इनको झोलियां भर भर के बददुआएं दे रहे हैं, और वो अब इस बात को समझने में ये कौम, अब कौम पाकिस्तानी कौम जो कौम बन गई है, इनको पता चल गया है कि खान साहब भी एक ऐसी लीडरशिप हैं, एक ऐसे लीडर हैं जो इस कौम को क्राइसिस और बहरान से बचा सकते हैं। अच्छा मैम, इस रीजन में अगर हम देख ले, अमेरिका का सबसे अच्छा जो पार्टनर, स्ट्रेटेजिक पार्टनर जो है वो अमेरिका का इंडिया है, तो इंडिया पे कोई पाबंदी नहीं है? हमारा वजीर ख़जाना बाहर के मुल्क में जाके वो कह रहे हैं कि हम रूस से पेट्रोल या डीजल ले लेते लेकिन उन पे पाबंदियाँ है, तो अगर इंडिया उनसे पेट्रोल ले सकते हम नहीं ले सकते थे? बस वही बात तो फिर घूम फिर के वहाँ आ गई ना कि लड़ पड़ा है जो मिल्लत के गद्दारों से, लड़ पड़ा है जो मिल्लत के गद्दारों से, वतन फरोशों से, ज़मीर फरोशों से, वो एक ही तन तनख्वा इमरान खान साहब अब तक फाइट कर रहे हैं, और ये सारा गंद वतन के गद्दार, ज़मीर फरोश, चोर, डाकू, कल्प्रेट्स, क्रिमिनल्स एक जगह पे इकट्ठे हो गए, इनको पाकिस्तान से क्या मोहब्बत है? इनको तो अपने वो जो एसेट्स इन्होंने बनाए हुए हैं, उनकी ऑफ शोर
ऑफशोर्स कंपनीज, इनके जो जायदादें हैं मुल्क से बाहर, इनकी औलादें बाहर हैं, ये तो पहले भी मुहिब वतन नहीं थे। आप ये वो कैरेक्टर हैं, ये वॉल्यूम 10 के कैरेक्टर, ये मेमो गेट के कैरेक्टर, ये डॉन लीक्स के कैरेक्टर, ये मुल्क को बचाएंगे? इन्होंने पहले भी मुल्क के साथ गद्दारियाँ की हुई हैं और अभी भी ये मुल्क के साथ ये क्या कर रहे हैं? ये वफादारियाँ निभा रहे हैं, ये उसकी डिक्टेशन ले रहे हैं सिर्फ अमेरिका की। रशिया इज़ अ सुपर पावर, आपका चाइना सुपर पावर है। तो खान साहब ने हमेशा फ्रेंडली एनवायरनमेंट, फ्रेंडली जो है वो डिप्लोमेटिक स्ट्रेटजीज़ की बात की है तमाम मुल्कों के साथ, लेकिन उसके साथ उनका ये भी कहना है कि हमने अपनी खुददारी, अपनी मुल्क की सालमियत पे समझौता नहीं करना। तो ये होता है एक खुददार दयानतदार लीडर, मुहिब-ए-वतन लीडर। जी बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।